इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावात पेश। الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويولج ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد اللسان والحسين نبينا سيدنا بال قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد وعلى آله सबसे पहले तो आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की तबरीक अर्ज करता हूँ। खुदावंद मुताल की बारगाह में शुक्रगुजार हैं कि परवरदगार ने हमें एक और माह रमज़ान को दर करने की तौफीक अता फरमाई। मौलाना साहब से माजरत के साथ कि बहरहाल वो आज हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह इनका वजूद बाबरकत आपके लिए कम्यूनिटी के लिए मुफीद साबित हो। बरकतों का महीना है और कल की तरह भी शेख जो है वो इतनी सारी बातें कह के चले जाते हैं कि जो है वो मुझे जो है आगे कहने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। खुदा उनकी तौफीक आते हुए इजाफा फरमाए। अज़ान मोहतरम माह मुबारक रमज़ान, मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि खुदा ने इस महीने में कुछ ख़ास नहीं बल्कि बहुत कुछ ख़ास रखा है। खुद बहरहाल रोज़ा जो है वो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है और रोज़ा रखने के अलावा इबादत, मतलब आप खुद महसूस करें, अगर आप महसूस करना चाहें तो, वैसे तो ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप खुद देखें कि माह रमज़ान जब आता है तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी फीलिंग आती है आदमी के अपने अंदर, चाहता है उसका दिल, आम दिनों में ना भी चाहे तो रमज़ान में माह मुबारक में चाहता है कि मसलन थोड़ी सी नमाज ज़्यादा पढ़ ले, थोड़ा सा कुरान की तिलावत कर ले, मस्जिद में थोड़ा टाइम गुजार ले, मतलब एक उसको ऑटोमेटिकली होता है। उसको इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैंने बड़ी मेहनत की है, नहीं, महीना बहुत ज़बरदस्त है, यानी इस महीने में रहमतें बरकतें इतनी हैं कि हर बंदे को कवर कर लेती है। अब ये रहमत खुदा की तरफ से है, ये बरकत खुदा की तरफ से है, यानी खुदा की ब्लेसिंग जो होती है वो बेहिसाब होती है, यानी कि कोई हिसाब किताब नहीं है। अब ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इसको समेटते कैसे हैं, किस तरह लेके उठते हैं। मतलब आपकी मर्जी है, आप फारिग बैठे हुए हैं, आप नेटफ्लिक्स देखते रहें, अब आपकी मर्जी है। अब आप चाहें तो कुरान की तलावत कर लें, अब ये तो आपके अपने ऊपर है, तो खुदा आपको जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। कोशिश करें, और वो हदीस जो आखिर में शेख ने आपकी खिदमत बयान की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। अब आप बोलेंगे मौलाना आप अपना दर्स याद करके नहीं आते, मैं नहीं, जो शेख याद करके आते हैं उसे आके अल्लाह दर्स आपको दूंगा। तो उन्होंने जो आपको कही कि मौला अमीर मोमिनीन हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम उन्होंने जब रसूल खुदा से पूछा कि बेहतरीन अमल या रसूल अल्लाह, अलबत्ता खुतबा शाबानिया पूरा जो है वो फजीलत है माह मुबारक की, लेकिन बहरहाल मौला अमीर बेहतर जानते हैं, इंसान कामिल हैं, रसूल खुदा से क्या पूछना है। तो उन्होंने पूछा, सवाल पूछने वाले को देखें आप,
कौन है सवाल पूछ रहा है, और ये अपने जहन में रखें, मतलब हमारा सवाल पूछना किसी से अलग है, लेकिन कायनात के इमाम का सवाल पूछना, रहमतुल आलमीन से सवाल पूछना बहुत अलग है। तभी तो रसूल खुदा ने कहा कि अना मदीनतुल इल्म व अली उन बाबुहा, यानी अली जो है वो उस इल्म का दरवाजा है, लेकिन शहर इल्म का कौन है? रसूल खुदा है। यानी हम शहर तक जाते ही नहीं, असल में हम दरवाजे के बाहर खड़े होके दरवाजे को चूम के वाह वाह करके चलो भाई घर चलते हैं। शहर में दाखिल हो, शहर जो है वो इल्म का रसूल खुदा है। तो रसूल खुदा से आप सोचे मौलाए कायनात ने क्या पूछा कि बेहतरीन अमल क्या है माह मुबारक रमजान का? तो रसूल खुदा ने क्या जवाब दिया अज़ान मोहतरम के अपने आप को महारिम से, यानी वो चीजें जो हराम है नहीं, उससे अपने आप को बचाओ, यानी वरा, वरा जो है वो लेटेस्ट डिग्री ऑफ तकवा है असल में, इस तरह आप समझे इसको। तकवा जो है, हम बोले हमसे तकवा नहीं हो रहा, आप लेटेस्ट डिग्री मिला है माना, तो तकवा की लेटेस्ट डिग्री वरा है, यानी अपने आप को हराम जो है उससे अपने आप को बचाओ, बेस्ट ये है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि आप जितनी इबादत कर लें, रोजा रख लें, कुरान पढ़ लें, सारे नेक काम कर लें, लेकिन गुनाह हो गया तो सब गया, यानी सब डिजोल्व हो जाएगा, सब चला जाएगा। इसका मतलब गुनाह क्या है असल में? गुनाह है क्या? डेफिनेशन क्या है गुनाह की? गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह हुदूद इलाही, अल्लाह ने जो आपकी बाउंड्री दी उसे आप बाहर निकल गए, गुनाह है। अब बाहर निकलना किस में है? आज तो सोसाइटी और माशरा ऐसा हो गया है कि गुनाह पता ही नहीं है गुनाह क्या है, क्योंकि वो बाउंड्रियां इतनी खत्म हो गई है, वो हमने खुद मिटा दी है रबड़ से, मतलब बिल्कुल डिसॉल्व कर दिया। अब इंसान हलाल कर रहा है हराम कर रहा है उसे पता ही नहीं। अगर आप वैसे पूछो बोले ये तो कोई बात ही नहीं है, मतलब गुनाह छोड़ देना ये कौन सी कोई, जैसे आयतुल्लाह उस्मान बैजत रिज़वानुल्लाह ताला अलैह से पूछते थे कि मतलब कोई वजीफा बताएं, कोई अमल बताएं कि हम मतलब इरफान की मंजिलें तय करें, स्पिरिचुअलिटी के लेवल तय करें, तो वो क्या फरमाते थे? वो अक्सर ही फरमाया जो हलाल है वाजिब है उसे अंजाम दो, जो हराम है उसे छोड़ दो। कहा बस यही है, कहा यही कर लो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हराम आज के जिस दौर के अंदर है, जाने मोहतरम हमें नहीं पता होता हलाल क्या और हराम क्या, यानी इतना थिन हो गया है, इतना मिक्स हो गई है लाइफ के अंदर चीज, कि अब उसके नाम बदल गए, उसके ऑप्शन बदल गए, चीजें बदल गई हैं। यही वजह है कि जब आप देखें कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे कंपेनियंस के साथ, तो रसूल खुदा ने आह भरी, जब हम मतलब कोई खास आह मेरे बरादर मेरे भाई, तो असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह मगर हम आपके भाई नहीं है। कहा नहीं, तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे असहाब हो, तुम मेरे कंपेनियंस हो। तो कहा फिर बरादर किसके लिए आपने ये अंदर से इतनी जो है वो आह भरी कि आह मेरे भाई, यानी जब इंसान किसी को याद करता है, किसी को पसंद करता है तो उसके लिए आह भरता है। तो कहा ये भाई कौन है आपके? कहा मेरे भाई वो हैं जो आखिरी जमाने में होंगे, जो गैबत का जमाना होगा और उसके अंदर वो अपने आप को हराम से बचाएंगे और वाजिबात पे तय करेंगे। यानी रसूल खुदा ने हमारे लिए आह भरी है, तो हम अपनी वैल्यू को अपनी कदर को जाने के जाने, तो वाकई आसान नहीं है ना। हमने नबी को देखा ना, हमने किसी इमाम को, इमाम है हमारे दरमियान लेकिन भारत हमने नहीं देखा, गैबत में है इमाम, उसमें आकर इंसान वाजिब पे अमल करे और अपने आप को हराम से बचाए, ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है आजकल के दौर के अंदर, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात हमें ये पता ही नहीं होता कि हम आराम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इतना थिन और इतना बारीक हो गया है इंसान जो है वो बैठा हुआ होता है, उसे पता नहीं होता गीबत कर रहा है या मतलब वैसे भी डिस्कशन कर रहा है, वो पता ही नहीं। इंसान टीवी देख रहा है, हराम देख रहा है, हलाल देख रहा है, आजकल तो आपके सामने है। अब तो गुनाह इतना आसान हो गया है कि इंसान को मतलब गुनाह की वो कबाहत नहीं रही। पहले जमाने में से मुराद, पहले जमाने से मुराद जब हम जवान होते थे, हम बूढ़े हो गए, हम उस जमाने में चीजें इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, चीजें इतनी एक्सेसिबल नहीं थी, किसी को भी कोई खुदा ना खास्ता गलत भी काम करना पड़ता तो जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अभी तो हर चीज आपके हाथ में है, अभी तो सब कुछ टच पे है आपके। तो आप देखें कि सोशल मीडिया, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो बाउंड्रीज, देयर इज नो फायरवॉल, देयर इज नो पेरेंट गाइड, कोई भी एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, सब स्टोरी ड्रामा है ये सब।
किसी बच्चों को बोला बेटा नेटफ्लिक्स क्यों देख, नहीं है, वो तो वहां सब वो PG-13 देखते हैं, PG-13 उनका, PG-13 आपको पता क्या है, वो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कुछ भी देख रहा है, माँ बाप को नहीं पता बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चों को नहीं पता माँ बाप क्या देख रहे हैं, बाप अलग देख रहा है, माँ अलग देख रही है, बच्चे अलग देख रहे हैं, वो वैसे भी नेटफ्लिक्स बनाया होता है ना, अब्बू अम्मी बच्चे सब, तो ये नहीं पता। अब हमें इतना उन्होंने आदत डाल दी है, हैबिचुअल हो गए हैं बहुत सारी चीजों के, आपके सामने बच्चों के पास अपने इंस्टाग्राम की आईडीज हैं, फेसबुक है, वहां पे क्या देख रहे हैं, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कोई आपसे आपके कहने पर थोड़ी है कोई, वो उसका अपना एल्गोरिथम है, उसके अंदर ऐसी चीजें डाली गई हैं कि आप ना भी चाहें तो भी उसकी तरफ जाना है। ठीक है, आप उसमें अच्छी चीजें भी देखते हैं, मजलिस भी देखते होंगे, लेक्चर भी देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं, मगर इतना नियर आ गया है कि अगर इस दौर के अंदर, ये तो आसान नहीं, इसलिए मौला कायनात ने सवाल ऐसा पूछा और रसूल खुदा ने जवाब ऐसा दिया कि जो कयामत तक के लिए आसान नहीं होगा, मुश्किल है। यानी वारा, यानी वाकई आदमी उस लेवल पर पहुंच जाए आसान नहीं है। उलमा इकराम या बहरहाल उसके अलावा भी ऐसी शख्सियतें थी जो अपने आप को हराम से जिन्होंने बचाया और फिर उनके सामने उन्होंने उन लेवल्स को अचीव किया है। रजब अली खयात के जो टेलर है, खयात टेलर को कहते हैं, टेलर है, लेकिन आप लेवल देखें क्या है कि एक शख्स कहता है कि मैं उनके साथ गया कब्रिस्तान में किसी की कब्र में फातिहा पढ़ने, और मेरी वालदा की कब्र भी थी, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ लोगों के साथ हूं तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं अलग से जाऊं, तो मैं कब्रिस्तान से बाहर निकल आया उन ग्रुप के साथ। जैसे ही मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला, कब्रिस्तान के दरवाजे पर मुझे रजब अली खयात ने कहा तुम्हारी माँ आलम बरजख में खुदा से शिकवा कर रही है कि मेरा बेटा बगैर मेरी कब्र फातिहा पढ़े वापस जा रहा है। यानी इस लेवल पे एक आदमी पहुंच जाता है, क्या कि आलम थे, चिल्ले काटे थे, सिर्फ गुनाह से अपने आप को बचाया, गुनाह आमादा था, गुनाह रेडी था। कहते हैं घर में एक खातून थी, उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं देख रहा, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं दरवाजा बंद करके आता हूं। दरवाजा बंद करने जाने लगे, कहा खुदा तू जानता है कोई भी नहीं देख रहा, मगर मैं सिर्फ तेरी वजह से गुनाह छोड़कर, दरवाजा बंद नहीं दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा हूं, तू मेरे लिए क्या करेगा। कहते हैं दरवाजा खोला, जैसे ही बाहर गए खुदा ने आलम बरजख को खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। अब वो जुमा बहुत उनके उलमा इकराम बयान करते हैं कि जो प्रॉब्लम के रीजन होता था ना, वो रजब अली खयात को पता होता है। रजब अली खयात एक एक तालिब इल्म जो उनको लेके अक्सर जाता था दर्स पे, गाड़ी पे उनको बिठाया, उनको कहा कि मेरी जौजा की तबीयत, वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, हर चीज कर ली है ठीक नहीं हो रही। तो उनका कभी भी ठीक नहीं होगी। कहा क्यों? कहा उसने वो काम किया है कि जब तक वो उसको सही नहीं करेगी। कहा क्या किया है? कहा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बच्चे को उन्होंने शदीद मारा है, बच्चे की आह लग गई है। जब तक बच्चा, बच्चा छोटा है, अब वो ऐसा भी नहीं है कि बच्चा बोले कि भाई बच्चा छोटा, जब तक उसका दिल नरम नहीं होगा बच्चे का, जब तक वो ठीक नहीं होगी, तुम कुछ भी दवाएं करते रहो। अब ये रीजन कहां से लेकर आएंगे आप? ना सिटी स्कैन है, ना एक्सरे मशीन है, ना कोई कोविड की टेस्ट रिपोर्ट है। ये बातिन है, ये बातिन को वही सही कर सकता है जिसने अपने बातिन पर काम किया हो। अब ये महीना यही अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप पूरा साल बिजी रहते हैं अपने बॉडी में, अपनी रूह को खुराक दे। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते थे, फरमाते हैं खुदा उनको बहरहाल जिंदगी जो है वो बुलंद करे, मुफस्सिर कुरान है, कहते हैं कि इंसान बिल्कुल उस परिंदे की तरह है, बर्ड्स की तरह, कि जिसके पांव में रंजीर बांध दी जाए और फिर उसको बोला कर उड़ो, तो कैसे उड़ेगा? वो नहीं उड़ सकता, फ्लाई नहीं कर सकता एक बर्ड जब तक उसके पांव में। कहा इंसान जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है, इंसान दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक सोल और एक बॉडी। सोल चाहती है प्रवास करे, मगर बॉडी उसको खींच के रखती है, दुनिया, लिबास, खुराक, इंसान की डिजायर्स,
नेम, शोहरत, दौलत, एवरीथिंग, ये डिजायर है बहरहाल उसकी, चाहे वो अच्छी क्यों ना हो, लेकिन ये उसको फ्लाई नहीं करने देती, उसको खींचती है, लेकिन रूह परवास करना चाहती है। तो वो कहते हैं माह रमजान इंसान को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपनी बॉडी से जुदा हो जाए और परवास करे। आप देख लें खुराक आपके सामने होती है, हलाल भी है, मगर आप खाते हैं नहीं खाते हैं। बच्चे जो हैं ये रोजा रखते हैं, बास को तो बालिग भी नहीं हुआ अभी, मतलब रोजा भी वाजिब भी नहीं है, लेकिन आप इसको बोले बेटा पानी पी लो, नहीं पीता। ये जाए तो टूटी गोल के नल में वजू करते वक्त, हम लोग जैसे बचपन में बहुत वजू करते थे, वजू वजू करते रहते थे हर वक्त, शायद अंदर ही ठंडक पहुंच जाए तो, लेकिन फिर भी ये बच्चा पानी नहीं पिएगा। कोई देख रहा है इसको? नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली रोजा सोल को बॉडी से जुदा कर देता है, उसे अजर उसे बॉडी को नहीं चाहिए। इसलिए जो सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड है रोजे का वो क्या है आप जानते हैं? परवरदिगार ने खुद फरमाया कि रोजेदार का जो अजर है, रिवॉर्ड है, वो मैं खुद हूं, खुद खुदा हूं। जिसको खुदा मिल जाए इस महीने में, उसे क्या चाहिए मुझे आप बताए? इमाम हुसैन अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं इमाम फरमाते हैं ना कि परवरदिगार दुआ अरफा आप पढ़ते हैं माशाल्लाह, कि परवरदिगार जिसने तुझे पा लिया उसने क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया उसने क्या पाया। तुम्हारे रमजान किसको पाने का महीना है? खुदा को पाने का, खुदा को पाए। खुदा को तभी पाएंगे कि जब हम अपने आप को उन हदूदों से, उन बाउंड्रीज से जिसे खुदा ने मना किया, उस बाहर ना जाए, उसके अंदर आए। और ये जो बाउंड्रीज भी हैं जो खुदा ने हमारे लिए बाउंड्रीज बनाई है, ये बाउंड्रीज खुदा ने हमारे लिए बनाई है, यानी खुदा क्रिएटर है, खुदा बेहतर जानता है। जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कोई फोन खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदते हैं, तो उसके साथ एक कैटलॉग आती है, उसमें लिखा होता है कि आपने इतने एम्पायर प्लग इन करने हैं, ये बटन दबाना है, ये बटन नहीं दबाना, यू नहीं क्यों, अगर करेंगे तो गारंटी हमारी नहीं है। आप करते हैं ऐसा? नहीं करते। आप आईफोन में सैमसंग का चार्जर कोशिश करते हैं, ये क्यों नहीं जा रहा? नहीं करते। आपको पता है भाई नहीं जाएगा, ये इसका चार्जर दूसरा है। अब इसी तरह जब वो एक छोटी सी कंपनी जानती है कि उसकी प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करनी है, तो जो सारी चीजों का क्रिएटर है और जो इंसान जैसी बड़ी प्रोडक्ट का क्रिएटर है, वो बेहतर जानता है कि इसकी हदूद क्या है। अपने आप को गलत प्लग इन नहीं करो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हो जाता है, इंसान को नहीं पता चलता, यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, यहाँ तो लाइफ चल रही होती है डिफ्यूज होती हुई, जब वहां जाएगा तो नया प्लग जब लगेगा बोला भाई ये तो पहले से फ्यूज था, फ्यूज है आलम बरज़ख में पता चलता है आदमी को हुआ उसके साथ क्या। यहाँ पे तो आपको देखने में लग रहा होता है बड़ा अच्छा है, बड़ा ये है, जैसी जैसी मरता है आप देखें इंसान की वैल्यू, क्योंकि शबे जुमा भी है और शबे मगफरत भी है, और ज़ाहिर है हमारे मरहूमीन भी आज की शब हमारा इंतजार करते हैं, तो आप खुद देखें कि इंसान कितना स्ट्रांग होता है, कितना उसका नाम होता है, कितने वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, लेकिन कैसा अल्लाह ने उसको बनाया है। जैसे ही उसकी रूह उसकी बॉडी को छोड़ती है, कोई ये नहीं बोलता कि बादशाह पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट है, फलाना है, एक्टर है, नहीं क्रिकेटर है, फुटबॉलर, कोई कुछ नहीं कहता। क्या कहते हैं? जनाजा है, मैयत है। यानी सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है, छीन लेता है, जो भी था था, बेहतरीन कपड़े पहनता था, बेहतरीन खुशबू लगाता था, लेकिन अभी हाथ लगाया तो नजिस है, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। यानी ये है इंसान की वैल्यू, कितना इंसान गुरूर तकब्बुर में घूम रहा होता है इस दुनिया के अंदर, कितना इंसान अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में लगा रहता है, दूसरों के हक खाता रहता है, जुल्म और सितम करता रहता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? और जहां बस खत्म हुआ उसके बाद तो फिर खत्म हो गया, वो दुनिया वो आलम दूसरा आलम है, उस आलम में यहाँ का क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं चलने वाला, उस आलम में तो वही चलेगा जो आपने भेजा था। आपने क्या भेजा? यहां से कोई भी चीज नहीं जाएगी। एक चीज जो मौला मुत्तकियान
हजरत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक चीज जो इमाम फरमाते हैं कि जो तुम्हारे साथ रहेगी वो क्या है, वो तुम्हारे अमल है, वो तुम्हारी डीड्स है जो तुम कर रहे हो तुम्हारे साथ, चाहे अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे। वो आलम ऐसा ही है। हम क्योंकि मोस्टली हम अपने इस आलम में मसरूफ हैं बॉडी में, हमें ये नहीं पता कि सोल के साथ होने वाला क्या है, तो हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। जबकि माह मुबारक रमजान तवज्जो है, वो जो आलम है। और ऐसा नहीं है कि आप मरेंगे तो जाएंगे ना, इट्स पैरेलल, वो पैरेलल यूनिवर्स है एक्चुअली, वो आपके साथ साथ है। जैसे लोग क्यों घबराते थे आयतुल्लाह उसमें बहजत के बाद जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो पैरेलल एक्चुअल उसका फेस है वो नजर आता था उनको। अभी भी ऐसे उलमा है, स्कॉलर्स हैं कि जिनको जो है वो अहले माना है, अहले दिल है, उनको नजर आता है कि एक्चुअल इंसान की शक्ल कैसी है, इंसान की असल शक्ल। मुल्ला कुल्ली हुसैन हमदानी के बारे में है कि बहुत बड़े आलम दीन थे, इन सब के उस्तादों के उस्ताद थे। नजफ अशरफ में 300 वली पैदा किए उन्होंने, बनना क्या नॉर्मल स्टूडेंट्स थे, 300 वलियों को बनाया उन्होंने। वो जब हरम मौला मुत्तकियान में जाते थे तो ज्यारत करके जब बाहर निकलते थे तो अपनी अबा को अपने ऊपर ओढ़ के आते थे, तो उनके शागिर्द देखते रहते थे अक्सर कि एक स्टूडेंट आ गया, कहा कि जब आप जाते हैं सही जाते हैं, वापस आते हैं तो ये ऐसा क्यों है? तो कहा छोड़ो मुझसे नहीं पूछो, रहने तो जाओ। कहा नहीं, आपको पता है स्टूडेंट पे बाज औकात होते हैं, तो उनका मैं बताऊंगा एक शर्त पे कि जब तक मैं जिंदा हूं किसी को बताना नहीं। कहता मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए। कहा कि जब मैं जाता हूं तो मौला मुझ पर इनायत करते हैं, कर्म करते हैं, उनके कर्म की वजह से थोड़ी देर के लिए कुछ एक टाइम के लिए मुझे लोगों की असली शक्लें नजर आती है जो उनके अमल की वजह से, यानी जो उनके नफ्स की शक्ल है वो। अब मैं चाहता नहीं हूं कि मैं लोगों को देखूं, क्यों? क्योंकि कहीं ये ना हो कि मैं जिसको देखूं और बाद में वो कैफियत मेरी हट जाए तो उसके साथ मेरा बिहेवियर चेंज हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कैसे औलिया खुदा थे वाकई। हमें तो किसी की बुराई पता चल जाए बस, फिर आप देखें उसका हाल क्या करते हैं बेचारे का। हालांकि गलती से शायद बेचारे ने कुछ और ना किया हो, गलती से बोल भी दिया हो, माफी मांग ली हो, तौबा कर ले खुदा की, लेकिन हम तो आम आदमी, मैं आपको नहीं कह रहा, अपने आप खुदा ना खर्चा कर रहा, पता चल जाए। खासतौर पर उलमाओं को उलमाओं की बुराई पता चल जाए बस, ओ तो बस तख्वा। लेकिन वो कैसे आलम दीन कि चाहते मैं देखूं ही नहीं। तो उन्होंने कहा शागिर्द ने, अच्छा मेरा तो बता दीजिए मैं कैसा हूं। तो उन्होंने कहा कि रहने दो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बहुत इसरार जब किया तो उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ल अंदर की गधे जैसी है, वह इंसान ऐसी है, यानी इट्स वेरी hard to be a human actually, it's not easy, इंसान बनना आसान नहीं है। कभी खुदा से कहें कि आपको दिखाए, try it, आपको पता चलेगा कि इंसान मैं अंदर से कैसा हूं। वाकई खौफ खाता है इंसान अपने आप से कि मैं ऐसा हूं, इसलिए इंसान को बहरहाल उसकी बारगाह में सजदे करते रहने चाहिए। खुदा तू है, तूने इज्जत रखी हुई है, अभी लोगों को पता चल रहा है मैं अंदर से कैसा हूं, ये हाथ वात कोई नहीं चूमेगा, ये जो चूम रही होती है पब्लिक आदमी वाकई नहीं चूमेगी, ये तो खुदा है कि जिसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाले हुए हैं। इस मतलब दुआ अबू हमजा इंशाल्लाह पढ़ें, उस्ताद मीर बाकरी हाफिज़ुल्लाह फरमाते हैं कि जो हर शब थोड़ी थोड़ी दुआ अबू हमजा पढ़े वो यकीन करे उसके लिए खुदा एक नया दरवाजा मारिफत का खोल देगा। इसमें बेशक दो लाइने पढ़े दुआ अबू हमजा में है, माना जाते शाबानिया में भी है, तकरीबन मिलता जुलता टेक्स्ट है कि इमाम फरमाते हैं खुदा की बारगाह में, परवरदिगार तूने इस दुनिया पे मेरे ऐबों पे पर्दा डाला हुआ है, यानी दुनिया में तूने छुपाया, मुझे आखरत में तेरी सत्तारियत की ज्यादा जरूरत है। यहां तो तूने मुझे पर्दा डाला हुआ है ना, यहां तो मतलब किसी को पता नहीं है, लेकिन आखरत में तो सब खुला हुआ होगा, सब अया होगा, सब नजर आ रहा होगा, वहां मुझे परवरदिगार तेरी सत्तारियत यानी तेरे छुपाने की बहुत जरूरत है। रिवायत में मिलता है कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी बेटी के घर दाखिल हुए तो देखा कि बीवी जो है वो परेशान है। कहा कि आपके चेहरे पर परेशानी कैसी? तो बीवी फरमाती है कि बाबा मुझे आखरत का मंजर परेशान कर रहा है, यानी आखरत के मंजर, यानी आखरत में क्या होगा। कहा कि बाबा सब कुछ खुला होगा, सब कुछ आया होगा, ओपन होगा, इस चीज ने मुझे परेशान किया। या सैयद, आप जैसी हस्ती तो शफात है आपके लिए, आपको उनको परेशानी हमारे लिए थी, यानी हर चीज खुली होगी। तो ऐसे में कहते हैं हजरत जिब्राइल आए और कहा गए रसूल खुदा की खिदमत में, या रसूल अल्लाह खुदा ने फातिमा को सलाम भेजा है। तो बीवी ने सलाम के लिए कहा कि खुद परवरदिगार खुद सलाम है, खुद सारी चीजें। तो फिर हजरत जिब्राइल ने कहा कि परवरदिगार ने पैगाम दिया है कि आप फातिमा से कहें कि वो कयामत के लिए परेशान ना हो, हम उनके चाहने वालों को एक नूर के दायरे में रखेंगे, एक नूर के होलोग्राम में रखेंगे ताकि वो छुप के जाए। अगर ये अहले बैत ना हो, इनका दरवाजा ना हो, तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? और हमारे पास हम इतनी कौन सी मेहनत करते हैं कि जब हम आते हैं बैठते हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं? ये हमारा थोड़ी करम है, ये उनका करम है और ये उन्हीं की वजह से है। शबे जुमा है, जाहिर है आपके मेरे मरहूमीन कब्र के अंदर इंतजार कर रहे होते हैं कि हम उनको कुछ हदिया भेजें। आयतुल्ला शहीद दस्ते गैब की जिनकी मुख्तलिफ किताबें हैं, यकीनन आपने पढ़ी होंगी, गुनाह कबीरा है, कल्ब सलीम है, उनकी किताब भारत दास्तगान शगिफ्त अंगेज, में कुछ वाकयात उन्होंने बयान किए हैं। उसमें एक आलम दीन का वाकया है कि जिनके वालिद का इंतकाल हो गया, तो वो वालिद उनके ख्वाब में आए, ड्रीम में। तो उन्होंने अपने वालिद से पूछा कि उधर कब्र में क्या मामला है, यानी कैसा है, अजाब कैसा है, सवाब कैसा। तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है, उसको इस वर्ल्ड से कंपेयर, दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकते, मगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे सकता हूं ताकि तुम उसको अंडरस्टैंड करो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर है जब कोई जाता है वो वापस थोड़ी आता है। ये तो बड़ा रेयर है कि हमारे मकतब में खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात हैं और कुछ उलमा इकराम है कि जिन्होंने हमें बताया कि वहां पे स्टोरी क्या है। तो वो कहते हैं कि अजाब जो है वो ऐसे है जैसे पहाड़ है, चारों तरफ माउंटेन्स हैं और कोई वे आउट नहीं है, कोई फरार नहीं है, भाग नहीं सकते आप, कहीं नहीं जा सकते, कैप्चर्ड है, और आपके पीछे भेड़िए लग जाए, वोल्फ, और आप कहाँ जाएंगे, नहीं भाग सकते। कहा कब्र के अंदर अजाब ऐसे है। और खुद आप सोचे ना, इंसान अभी इंसान दुनिया में कहीं परेशानी हो, बीमारी हो, इंसान क्या करता है, खुदा मुझे ठीक कर, और इंसान को उम्मीद होती है कि ठीक हो जाएगा, हॉस्पिटल से बाहर आ जाएगा, बिस्तर से बाहर आ जाएगा। कभी एमआरआई मशीन में गए आप लोग? नहीं बताओ, किसी बार किसी को ऑप्शन नहीं मिलता लाइफ में, हमें अक्सर मिल रहा है बैक डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से। एमआरआई मशीन आपको पता है किसी राउंड होती है, बहुत कम स्पेस होती है, आप यकीन करें मैं हमेशा गया कब्र याद आई, क्यों? क्योंकि वे आउट नहीं है, जब तक वो खुद बटन नहीं दबा बाहर नहीं निकल सकते आप, और जब तक वो आपके एक्सरे एमआरआई हो रही है, जब तक मुझे हमेशा सांस घुटती, मैं तो कहता भाई यही तो यही मर गया है तो क्या होगा, कब्र में तो ऑप्शन है ही नहीं, दफना के चल दिए, ना सलाम ना दुआ, खत्म। दफनाने वाले तो भाग भाग के दफना के चले जाते हैं, न्यास करनी है, स्वयं की मजलिस करनी है, जायदाद तकसीम करनी है, ये करनी है, वो बेचारा जो है उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं होती है। कोई औलाद आज तक अपने वालदैन की कब्र पर रात को बैठी है? शायद ही कोई औलाद, जिस माँ ने सारी जिंदगी जहमत की हो, जिस माँ ने उसे पता नहीं किस तरीके से पाला होता है, उसको खुद नहीं पता बच्चे को, लेकिन उस माँ की कब्र पे आदमी नहीं बैठता, सोचे उधर क्या मिलेगा, इंसान क्या लेके जाए। तो वो कहते हैं अजाब ऐसा है कि फरार मुमकिन नहीं है। तो कहा ये जो हम आपको हदिया भेजते हैं, मतलब कोई नेक काम करते हैं, सदका खैरात करते हैं, कोई कुरान की तिलावत करता है, कोई भी काम
ये आपको कैसे पहुंचता है? तो कहते ये भी मैं तुम्हें एज अ एग्जाम्पल समझा सकता हूं कि जैसे तुम एक बंद कमरे में हो और बहुत गर्म धुआं हो उसके अंदर, सांस ना आ रही हो, और फिर अचानक से एक विंडो खुल जाए और उससे एक हवा का झोंका आए ताजा, तो कहा तुम्हारा कुछ भी भेजना हमारे लिए ऐसे ही है, तो एक सलावात पढ़कर तमाम मरहूमीन के लिए भेजते बहरहाल ये एक सलावात का झोंका सब हम मरहूमीन की कब्रों में एक ताजा हवा का झोंका गया होगा, यकीनन उन्होंने आप सबको भी याद करते हो। हजारे मोहतरम को वहां आलम कोई और है, वहां से इंसान उसको समझ नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ने यही अपॉर्चुनिटी दी है, यही दुनिया, यही एक रास्ता है, यही एक वसीला है जिसके जरिए से तुम अपनी आखिरत को अच्छा कर सकते हो। क्योंकि इस्लाम ये नहीं कहता कि अब आप छोड़ के बैठ जाएं, अभी मौलाना आपने इतना डरा दिया, अभी हम तो सब छोड़ के घर बैठ जाएं, तस्बीह पकड़ लें, पहाड़ों में चले जाएं जो आसपास हैं, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। इस्लाम ये भी नहीं कहता आपको, इस्लाम ये कहता है कि यू हैव टू बी इन योर सोसाइटी, यू हैव टू पे योर ओन रोल, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है, तुमने सारे काम करने हैं, इबादत करनी है। वो एक खातून एक बुजुर्ग के पास गई और कहा कि मेरा शौहर है वो हर वक्त मस्जिद में बैठा रहता है, बस मस्जिद दुआएं और सब कुछ, इधर हम भूखे मर रहे हैं, इधर हमें परेशानी हो रही है, वो कहता नहीं बस अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह अकबर, बस नमाजें और नमाजें। वो बुजुर्ग बूढ़ा शख्सियत थी, वो गया उसके पास, बने हुआ ये क्या है लाइफ का तरीका, लाइफ ऐसे थोड़ी है, इस्लाम ये थोड़ी है, ये थोड़ी प्रॉफिट ने सिखाया है, अगर ये होता तो प्रॉफिट सबसे पहले ऐसे काम करते, मगर प्रॉफिट ने ऐसा काम किया। तो वो कहता है उसने फिर सदर इस्लाम की इन स्टार्ट ऑफ इस्लाम की एक स्टोरी सुनाई उस बुजुर्ग ने, कहा कि एक दफा उस जमाने में मस्जिद नबवी जब नई नई बनी थी तो खवातीन भी आती थी, नमाज पढ़ती थी वहां पे पीछे, और वो सब पढ़ते थे सब, तो जाहिर इतनी कोई छतें और शेल्टर नहीं था, तो कहा कि जोहर की नमाज हो रही थी और सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मूवमेंट चेंज करता है, तो कहा दो रकात जैसी रसूल खुदा ने पढ़ाई तो धूप ने अपनी जब जगह चेंज की तो एक खातून अपने छोटे से बच्चे को लेके आई हुई थी, सूरज की रोशनी इस बच्चे में पड़ी, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, गिरिया शुरू कर दिया। कहा रसूल खुदा ने जल्दी जल्दी नमाज को खत्म किया, रसूल खुदा ने, क्यों? क्योंकि इबादत इबादत है, लेकिन रसूल खुदा बेहतर जानते हैं कि बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो वो बुजुर्ग कहता है कि वो जो बच्चा था वो मैं था उस जमाने में, यानी रसूल खुदा ने मेरे लिए कि धूप आई तो नमाज को जल्दी खत्म किया। ये क्या है कि तुम सारा दिन जाके मस्जिद जाके बैठ जाओ, तो इसलिए हमें अपना रोल पूरा प्ले करना है, घबराना नहीं है, रोल प्ले करना है, इम्तिहान उसी में है, टेस्ट उसी में है, जाने मोहतरम, टेस्ट होगा तो कामयाब होंगे। अब आप बोले बच्चे डर के मारे स्कूल ही नहीं जा रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, फेल हो जाऊंगा, कौन मेहनत करेगा, कौन ये करेगा, तो भाई तो फिर तरक्की भी कैसे करोगे, जाओगे एग्जाम दोगे तो कामयाब होगे। हम सबको अपनी जिंदगी में एग्जाम्स देने हैं, जाने मोहतरम, माह मुबारक रमजान ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि कौन अच्छा एग्जाम देता है उसको अल्लाह अच्छा रिवॉर्ड देगा, शबे कदर देगा, और बहरहाल बहुत सारी रातें हैं जहां पर वफात भी है, शहादत भी है, जंगे बदर की भी रात है, फतेह मक्का के भी दिन है, बहरहाल सारी चीजें हैं। सिर्फ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हाथ में तस्बीह पकड़ के बैठे रहें, जहाद है इस्तेमार और जो मुखालिफ है इस्लाम है उसके मुकाबले की गुफ्तगू और जो है वो आवाज उठाने की भी, रोजा ऐसा नहीं है कि आपको डम खुदा ना रास्ता बना रहा है, रोजा आपको स्ट्रांग बना रहा है कि आप अपने आप को मजबूत करें। और जो आदमी रोजे की हालत में अपने आप को रोक सकता है हर चीज से, वो रोजे के बाद भी रोक सकता है। ये जो आपको चीज स्टॉप कर रही होती है कि मेरा रोजा है, मैं ये बोलूंगा नहीं, ये मैं देखूंगा नहीं, ये मैं सुनूंगा नहीं, तो रोजे के बाद क्या होता है? नहीं, रात को करेंगे महीने के बाद करेंगे, यानी क्या महीने के बाद, यानी पहले खुदा चला गया कहीं? नहीं, असल में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल हम लोगों ने ये डिजाइन किया होता है कि रमजान में खुदा ज्यादा देख रहा है, बाकी दिनों में खुदा देख नहीं रहा। रोजा प्रैक्टिस है, इसी प्रैक्टिस को बहरहाल हम अपने आप को जाने मोहतरम स्ट्रॉन्ग करें, और बहरहाल इस महीने में हम जो है वो शब जुमा भी है, और आइए खुदा की बारगाह में
बारा उन हस्तियों का वास्ता दे ताकि हमारा माह रमजान बेहतर हो जा सके। शख्स जो है वो बहुत बड़ा मरसिया खां है आज, और इराक में आजादारी में बड़ा रोल प्ले किया। कई लोगों ने बोला कि आप तेहरान जाएं और वहां पर भी आजादारी को कायम करें, जिस तरह ही स्पेशल नहीं जाते थे। लेकिन ख्वाब में एक दफा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। इमाम ने कहा कि जाओ और वहां जाकर आजादारी कायम करो। खैर आ गए, जिंदगी गुजर गई। हुसैन यक्ता जो रावी है अभी बहुत फेमस, वो कहता है कि मैं एक दफा उनकी खिदमत में बैठा हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कुछ दिन पहले शदीद बुखार था। बुखार जब होता है, टेम्परेचर होता है, तो प्यास लगती है। प्यास तो मुझे प्यास लगी तो मेरी तीन बेटियां हैं, मैंने एक एक करके तीनों को पुकारा। मैंने पहले अपनी बेटी को कहा राजिया मुझे प्यास लगी है, तो मैंने देखा कि एक बापर्दा खातून तशरीफ लाई। फिर मैंने अपनी दूसरी बेटी को बोला मरसिया पानी चाहिए, तो वो खातून और आगे बढ़ी। फिर मैंने अपनी तीसरी बेटी को कहा फातिमा, तो वो खातून ने अपने चादर में से पानी का गिलास निकाला, कहा हाज हुसैन हम आ गए हैं ना। तो मैंने कहा कि बीबी मैं जानता हूं कि आप आ गई हैं, लेकिन मेरी अदब मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं आपसे पानी लूं। तो कहा तुमने सारी जिंदगी हमारे बेटे की नौकरी की है, तो अब हम तुम्हें खुद पानी पिलाने आए। खूब अज़ान मोहतरम माह मुबारक रमजान करबला की प्यास को याद दिलाता है कि प्यास करबला वालों की कैसी थी। हम 8-10 घंटे प्यासे रहते हैं, मगर हम पर कोई जुल्म और सितम नहीं हो रहा। हमारी प्यास है, हम रोजा खोल लेते हैं, पानी पी लेते हैं, अल्लाह हू अकबर। लेकिन ये सैयदा का लाल कितने दिनों का प्यासा है। फिर जो है वो बीबी ने उससे कहा कि क्या तुम हमारे लिए मरसिया नहीं पढ़ोगे, मसाइब नहीं पढ़ोगे? तो कहते हैं बीबी मुझे डॉक्टरों ने मना किया है बीमारी की वजह से, लेकिन आप हुक्म करें मैं किसके मसाइब पढ़ूं? तो बीबी कहती है अली असगर के मसाइब पढ़ो। हाँ आजादारन प्यास तो प्यास है, बहरहाल करबला में सब प्यासे थे, मगर जितना प्यासा अली असगर था उतनी प्यास किसी की भी नहीं थी। और प्यास तो बुझ गई अली असगर की। हाँ आजादारन मोहतरम आपने देखा कि रोजे आशूर सब खत्म हो गया, तो इमाम ने अपनी गुर्बत की सदा कि हल में नासिर है कोई मेरी मदद करने वाला, तो देखा कि खेमों में से रोने की आवाजें आ रही। इमाम हुसैन खेमों में गए और कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं आप लोग आराम कीजिएगा। कहा कि हाँ मगर ये बच्चा आराम नहीं करता, जब से आपकी सदा सुनी है कभी इधर कभी उधर है, बेचैनी में है। इमाम हुसैन ने जैसे ही हज़रत अली असगर को लिया, हजरत अली असगर खामोश हो गए, सकून में आ गए। गोया हजरत अली असगर भी जानते थे कि ये मेरी आखिरी आगोश है। बस आज़ादारान मोहतरम हजरत अली असगर को कबा में डालकर सैयदुश्शोहदा निकले। दुश्मन समझे कि इमाम हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही अबा हटाई तो कुरान तो नहीं था, कुरान का पारा था। बुलंदी पर चढ़कर कहा कि तुम मुझे पानी नहीं देते तो ना दो, मगर इस बच्चे को तो पानी दे दो। आज़ादारान मोहतरम जब दुश्मन की फौज ने अली असगर देखा तो छुप कर गिरिया करने लग गए, ये हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में उस लईन शख्स ने जो है वो उस हुरमला को कहा, हुरमला खामोश कर दो इस बच्चे को, कहिए ना हो कि ये बच्चा जंग जीत जाए। बस आज़ादारान मोहतरम अली असगर को तीर उस हालत में लगा कि अली असगर ये नहीं जानते थे कि तीर लगने पर रोना है या हंसना है। अल्लाह अकबर, तीर ऐसा पैवस्त हुआ
کہ گردن سے ہوتا امام کے بازو میں لگا خون علی اصغر کو امام نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے اپنے محاسن پر لگایا ہے اتنا بھاری ہو گیا یہ چھوٹا سا بچہ کہ کہتے ہیں روایات امام حسین نے 7 دفعہ اپنے قدموں کو آگے بڑھایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین خیموں میں لے کر گئے اس بچے کو مگر فوراً لے لیا اور پھر خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی قبر بنائی ہے علی اصغر کو وہاں دفنایا ہاں مگر اس ماں کا کیا کرے کہ جس نے اپنے بچے کی شہادت کو اتنی دفعہ دیکھا ایک تیر سے ایک نیزے سے اور ایک ننی سی گردن تن سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما حاضرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب اول ماہ رمضان ہے یہاں پروردگار تجھے آج کی شب کا واسطہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما ہمیں اس ماہ مبارک میں شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن کی تلاوت اور دعاؤں کی تلاوت کی توفیق عطا فرما پروردگار تو رحمان ہے تو رحیم ہے تیرے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے پروردگار تو اس مہینے میں کئی لوگوں کو بخشتا ہے ان لوگوں میں میرا بھی شمار فرما میرے مرحومین کی مغفرت فرما ان کی قبروں پر آسانیاں فرما پروردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جو بھی جہاں اپنی مشکلات میں ان کے لیے آسانیاں فرما جو بیمار ہیں حاضرین میں ہوں ان کے دوست احباب رشتہ دار ہوں یا جو بہرحال جنہوں نے ہمیں کہا ہے ان سب کو پروردگار شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں اس میں ترقی اور کشادگی عطا فرما جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما جو بے گناہ اسیر ہیں پروردگار تجھے واسطہ اسیران کوفہ اور شام کا انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی اللہ صلوات بیت محمد و آل محمد